फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फुल फॉर्म डिक्शनरी। आई होप यू ऑल विल बी वेरी गुड। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है, ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये सभी जीवों में पाई जाने वाली एक हेरिडेटरी सामग्री होती है, जिसमें जीव के विकास और कार्य के लिए अनुवंशिक निर्देश इसमें शामिल होते हैं। यह इंस्ट्रक्शन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाते हैं। फ्रेंड्स, डीएनए सभी जीवों के शरीर के प्रत्येक कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है और अनुवांशिक निर्देश 4 नाइट्रोजन बेस से बने कोड के रूप में इकट्ठे होते हैं, जैसे कि एडेनिन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी और थायमिन टी। अब मैं आपको डीएनए के कुछ कार्यों के बारे में बताती हूँ, जिससे आपको काफ़ी और क्लियर होगा कि डीएनए आखिर क्या होता है और यह क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो इसका कार्य होता है, वह होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक जानकारी को पहुँचाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट, डीएनए आंतरिक अनुवांशिक घड़ी के माध्यम से जीवों के विकास को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो इसका अगला कार्य होता है, वह होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया के माध्यम से आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का उत्पादन करता है। इसके अलावा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डीएनए एंजाइम, हार्मोन और विशिष्ट आरएनए की मदद से कोशिकाओं के चयापचय प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य भी करता है। डीएनए प्रतिकृति के माध्यम से कार्बन प्रतियां बनाता है। यह डीएनए को अनुवांशिक जानकारी को पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी कार्य करता है। सबसे खास बात, प्रत्येक व्यक्ति का अपना डीएनए अनुक्रम होता है, जो दूसरों के साथ मेल नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुई एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डीएनए के बारे में। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।